हेलो एवरीवन, आज मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर से गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है ये गाइडेंस सर्विस इन स्कूल के अंतर्गत सब टॉपिक प्लेसमेंट सर्विस इन स्कूल पर डिस्कस करूँगी, जिसके अंतर्गत मैंने इसके मीनिंग्स पर इससे पहले डिस्कस किया और आज मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पर डिस्कस करूँगी। तो इसके मीनिंग के अंतर्गत हमने किलफोर्ड के अनुसार और फिर एंड्र तथा विले के अनुसार इनकी परिभाषाओं को देखा था, जिसमें किलफोर्ड ने कहा था कि स्थापन से सेवा का संबंध छात्र को अगले कार्य या पद के लिए सहायता देना, चाहे वह किसी व्यवसाय स्थान या पद ले सके या शिक्षा संस्था में उपयुक्त पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में स्थान पा सके। और एंड्र तथा विले के अनुसार भी हमने देखा कि स्थापन सेवा उन सभी क्रियाओं की ओर अग्रसित करती है जो छात्र को उसकी जीविका हेतु व्यवसाय या रोजगार अथवा शैक्षिक क्रियाओं या शैक्षिक में प्रवेश के लिए सहायता की जाती है या निर्देशन दिया जाता है जिससे वह उसमें पर्याप्त समायोजन कर सके। तो आज इसके परिभाषाओं के और मीनिंग के आधार पर हम ही इसके ऑब्जेक्टिव्स पर डिस्कस करेंगे कि इस प्लेसमेंट सेवा का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। प्लेसमेंट सेवा के उद्देश्य, पहला, उपलब्ध कैरियर विकल्पों के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करना, क्रिएट अवेयरनेस एमोंग स्टूडेंट्स रिगार्डिंग अवेलेबल कैरियर ऑप्शंस, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में क्या क्या कैरियर हैं और किन किन चीज़ों के लिए छात्र प्लानिंग कर सकते हैं, इसके बारे में बच्चों को जानकारी देना तथा उनको जागरूक करना, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होता है और परिवर्तन के साथ नए नए अवसर भी तैयार होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी जमा करना और इसे बच्चों तक पहुंचाना, ये एक प्लेसमेंट सेवा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, उन्हें अपने कैरियर उद्देश्यों की पहचान करने में मदद करना। हेल्प देम इन आइडेंटिफाइंग देयर कैरियर ऑब्जेक्टिव्स, तो बच्चे को क्या कैरियर का उद्देश्य पहचान, मतलब उनको कौन सा कैरियर का पहचान करना चाहिए, कौन सा कैरियर चुनना चाहिए जो उनके लिए उनके इंटरेस्ट उनकी क्वालिटी के अनुसार होगी, जिसमें वो आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, इसके अकॉर्डिंग उनको कौन सा प्रोफेशन चयन करना चाहिए, प्लेसमेंट सेवा इसमें भी मदद करता है। नेक्स्ट है, अपने कैरियर के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और नौकरी खोज रणनीतियों के विकास में छात्रों का मार्गदर्शन करना। गाइडेड द स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग स्किल्स एंड जॉब सर्च स्ट्रेटजीज रिक्वायर्ड टू अचीव देयर कैरियर ऑब्जेक्टिव्स, तो अपने कैरियर के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कैरियर बच्चे चयन करना चाहते हैं, प्लेसमेंट सेवा के अंतर्गत उनको विभिन्न कैरियर का विकल्प बताया जाता है, तो उसमें से वो अपने गोल को सेट करते हैं, उद्देश्य को सेट करते हैं कि उनको क्या करना है और फिर उसके अनुसार उनको क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या अपने आप उनको डेवलप करना चाहिए जो कि उनको उससे संबंधित नौकरी के लिए जॉब के लिए कौन कौन से अपने आप में क्वालिटी का विकास करना है, इन सब चीज़ों के लिए छात्र का निर्देशन भी करता है। नेक्स्ट है, उपयुक्त संभावित नियोक्ताओं की पहचान करना और उन्हें अपने काम पर रखने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना।
identifying suitable potential employees and help them achieve their hiring goals. मतलब वो कौन कौन सा जो आगे उन्हें संभावित नियोक्ता मतलब अब किसी जॉब में अगर वो जाते हैं एम्प्लॉय बनते हैं तो उनके लिए उस जो उनके लिए संभावित जॉब है जो उनके लिए उपयुक्त है, जैसे किसी बच्चे ने मेडिकल का या बायोटेक का किया है तो फिर बायोटेक में जाने वाले बच्चों के लिए बहुत सारे उससे जुड़े जो जॉब होंगे उसकी पहचान कैसे करें और उनको उसमें काम पर रखने का किस स्किल्स को डेवलप करें जिससे कि उनके अपने लक्ष्य काम पर रखा जा सके। सॉरी, उपयुक्त संभावित नियोक्ताओं की पहचान करें जिसको कि एम्प्लॉय को जो जॉब पे रखने जा रहे हैं तो उसमें उन्हें अपने काम पर रखने के लक्ष्यों का कि उनके उनके जो वर्क हैं जिस कंपनी ने किसी को प्लेसमेंट लेना चाह रहे हैं किसी को अपने काम पे रख रहे हैं तो उनको अपने काम के अकॉर्डिंग जो उन्होंने लक्ष्य तैयार किया है उसके अकॉर्डिंग वो कैसे वो प्राप्त कर सकते हैं उससे संबंधित दोनों के बीचों में जो नियोक्त एम्प्लॉय हैं और जो काम पे रखने वाले व्यक्ति हैं या कंपनी है उसके बीच लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना, दोनों में एक संबंध बनाना, दोनों को दो एक दूसरे से कम्युनिकेट कराना और छात्रों में क्या क्या स्किल्स डेवलप हो उसके बारे में अगर जानकारी देना तो कंपनी या जो जॉब का वर्किंग प्लेस जहाँ की के लिए जॉब पे रखा जा रहा है उनको अपने काम से संबंधित कहाँ एम्प्लॉयड मिलेंगे इसके बारे में भी जानकारी देके मदद करना। नेक्स्ट है कैरियर नियोजन से संबंधित गतिविधियों को व्यवस्थित करना। तो जब बच्चों को विभिन्न क्षेत्र के बारे में जानकारी होगी, ऑप्शन के बारे में जानकारी होगी तो उसके अनुसार छात्र जो हैं अपने कैरियर का चयन करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं तो उनको उस प्लानिंग में क्या क्या आवश्यक कार्य है, क्या डेवलप करना है, इन सारी चीज़ों में व्यवस्थित तरीके से करने में भी प्लेसमेंट सेवा जो है उनको काफ़ी मदद करता है। नेक्स्ट है छात्रों पूर्व छात्रों और नियोक्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करना। एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन स्टूडेंट्स एलुमनी एंड एम्प्लॉयर्स। तो इससे तात्पर्य है कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो पूर्व के स्टूडेंट हैं पहले के स्टूडेंट्स हैं और एम्प्लॉयर हैं उनके बीच एक सेतु के रूप में काम करना, यानी कि छात्रों से विभिन्न प्रकार का नॉलेज लेना जो कि पूर्व में छात्र जिनका प्लेसमेंट हो चुका है और जो नए छात्र हैं उनसे और जो कहीं वर्क कर रहे हैं कहीं के एम्प्लॉय हैं उन सब से जानकारी इकट्ठा कर एक मतलब तीनों के बीच में एक दूसरे छात्र तक उनके नॉलेज को पहुंचाना। तो ये एक पुल का काम होता है, जैसे कि नीचे के छात्र जो हैं वो अपने से आगे वाले छात्र के बारे में जान के कि उन्होंने क्या क्या स्किल्स डेवलप किया और उनको कहाँ प्लेसमेंट मिला, कैसा जॉब कर रहे हैं, उनका फीडबैक की जानकारी पहुंचाना। इससे उन जो प्रेजेंट छात्र हैं उनको काफ़ी मोटिवेट किया जा सकता है, उनमें काफ़ी प्रेरणा दिया जा सकता है जिससे कि वो और भी बेहतर कार्य करने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न कार्य क्षेत्रों से प्रतिक्रिया लेना और पाठ्यक्रम के लिए सुझाव प्रदान करना। तो प्लेसमेंट सेवा जो है उसका एक ये भी कार्य बनता है कि ये भी उद्देश्य होता है कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से प्रतिक्रिया लें, क्योंकि वो प्लेसमेंट सेवा के अंतर्गत विभिन्न करियर के बारे में जानकारी इकट्ठा होता है किया जाता है तो वो कहाँ किस तरह और बच्चों को देने का कार्य किया जाता है तो क्या नया आ रहा है
कौन और किस वर्क में, किस वर्किंग क्षेत्र का डेवलप हो रहा है कहाँ, और किस पाठ्यक्रम में बदलाव करने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों का भी उनको नॉलेज होता रहता है, क्योंकि वो वर्किंग क्षेत्र से भी अपडेट रहते हैं और जहाँ शैक्षिक संस्थान है वहाँ से भी वो जुड़े होते हैं। तो फिर वर्किंग क्षेत्र में जो क्या नया डिमांड आ रहा है उसको वो शैक्षिक कार्यक्रम में, शैक्षिक संस्थानों में अपना सुझाव देकर पाठ्यक्रम में कुछ क्या नया कर डालना चाहिए, इसका भी सुझाव प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो प्लेसमेंट सेवा बच्चों को कैरियर विकल्प का चयन करने के साथ ही उनको कैरियर का एक चयन, सिलेक्शन तक चयन करने से लेके उनके स्किल्स डेवलप, उनके नौकरी खोज रणनीतियों के लिए विकास करना तथा उन्हें कौन सा गोल सेट करना चाहिए, करियर नियोजन से संबंधित किस तरह, कैसे उनको अपनी गतिविधियां व्यवस्थित करनी चाहिए तथा शैक्षणिक संस्थानों में नया पाठ्यक्रम में क्या नया लाना चाहिए, इन सारी चीज़ों का भी सुझाव प्रदान करने का उद्देश्य निहित होता है।